दिल्ली के अंदर हमने अभी इस टाइम पर हमारे ऐप के ऊपर भी 8,500 से ऊपर बेड्स हैं, जिसमें से लगभग आधे बेड अभी खाली हैं। बट हो क्या रहा है कि मान लो कुछ लिमिटेड हॉस्पिटल्स में हैं, उनके अंदर बेड्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जो उनके अंदर हॉस्पिटल में बेड्स ख़त्म हो गए हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इस अस्पताल में गए, फिर इसमें गए, फिर इसमें गए। भाई अभी तक देखो LNGP का कोई शिकायत नहीं है कि बेड नहीं मिल रहा, GTP में मिल रहा है, राजीव गांधी में मिल रहा है। हमारे पास अभी तक तो एनफ बेड हैं कि जो लोगों को दे सकते हैं, परंतु हमें आगे के लिए भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ानी है। जिस तरह से केस आ रहे हैं, केस रोज़ाना जितने केस आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें जितनी कैपेसिटी, अभी हमारे पास 8,500-9,000 हो चुके हैं, तो अगले 15 दिन में हमारा टारगेट है कि कम से कम 15-17 हज़ार बेड जरूर किया, इसको दोगुना किया जाए। एस्टिमेट क्या है कि अभी कितने दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर कितने केसेस दिल्ली के अंदर हो जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएगी देखो दिल्ली? हमें ऐसा लगता है कि जो डबलिंग रेट है 14-15 दिन का है। जितने केसेज आज हैं, हमने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी, उसने कहा कि हर 14 दिन के अंदर डबल होने के चांसेज हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आज 28,000 हैं, तो 56,000 हो जाएंगे।